हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सोलो एयर ड्रॉप के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन आपको बाइनेंस में मिल चुकी होगी। आप इसकी नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पे बाइनेंस विल सपोर्ट द सोलोजेनिक सोलो एयर ड्रॉप प्रोग्राम फॉर XRP होल्डर्स। तो एक्चुअली में XRP और जो सोलो होल्डर्स है, सोलो एक टोकन है जो कि आपको कॉइन मार्केट कैप में आपको देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी प्राइस चल रही है $4, $1.4 में। तो अगर आप XRP एंड सोलो दोनों में से किसी के भी होल्डर हो या फिर दोनों के होल्डर हो, तो आपको यहाँ पर ये एयर ड्रॉप यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सोलोजेनिक एयर ड्रॉप को, सोलो एयर ड्रॉप को आप किस तरह से यहाँ पर अचीव कर सकते हो। और खासकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं XRP के बारे में, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जैसे ही हमें देखने को मिली, तो XRP के प्राइस में पुश हमें देखने को मिला। लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, तो OMG में भी एक एयर ड्रॉप चली थी, और उस एयर ड्रॉप के खत्म होने के बाद OMG में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक अलर्ट के आपको, अगर XRP होल्डर हो तो यहाँ पर एक अलर्ट के बारे में आपको ये वीडियो आपको मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो का आप पूरा देखो, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के जो अपडेट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो सारा मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। जो भी कॉल्स होते हैं, फ्यूचर कॉल्स होते हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस एयर ड्रॉप को समझते हैं, ये एयर ड्रॉप आपको किस हिसाब से मिलेगी और आपको क्या करना होगा। सिंपल, आपको XRP होल्डर्स टू रिसीव, यहाँ पर आप देख सकते हो $1 मिलियन एयर ड्रॉप सेज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सोलोजेनिक। एक्चुअली में सोलोजेनिक जो है वो एक डैक्स से डिसेंट्रल एक्सचेंज है, और वो यहाँ पर XRP लेजर पे NFT मार्केट प्लेस को लाने वाला है। और इस हाइप के लिए, यहाँ पर इसे और पॉपुलर बनाने के लिए, ये अपने नेटिव टोकन को यहाँ पर एज ए एयर ड्रॉप के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जिससे इसके जो टोकन हो या फिर जो इसका प्लेटफॉर्म हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इन ऑर्डर टू जूस द न्यू मार्केट प्लेस इको सिस्टम, सोलोजेनिक इज एयर ड्रॉपिंग 200 मिलियन ऑफ इट्स नेटिव टोकन। तो 200 मिलियन ऑफ नेटिव टोकन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। इसे दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 100 मिलियन जो है वो XRP होल्डर को यहाँ पे मिलेंगे, 100 मिलियन जो है वो यहाँ पर सोलो होल्डर को मिलेंगे। तो जिसने सोलो होल्ड किया है उसे भी मिलेंगे, जिसने XRP होल्ड किया है उसे भी मिलेंगे, और जिसने दोनों होल्ड किया है उसे दोनों तरह से एयर ड्रॉप यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, टू क्लेम द फ्री सोलो टोकन्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर नीड टू होल्ड देयर सोलो एंड XRP ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज दैट आर सपोर्टिंग द एयर ड्रॉप। तो बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर सपोर्टिंग है, YDX की तरफ से यहाँ पर सपोर्टिंग है, जो कि मैंने मैसेज यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे दे दिया था। तो ट्रस्ट लाइन के थ्रू आपको यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है ये यहाँ पे मिलने वाला है। द स्नैपशॉट फॉर द एयर ड्रॉप विल बी टेकन ऑन 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को एक स्नैपशॉट लिया जाएगा जो भी आपने होल्ड करके रखा है। इसके बाद सोलोजेनिक विल डिविली अप 100 मिलियन सोलो ए पीस अमॉन्ग द एलिजिबल XRP एंड सोलो अकाउंट्स। तो जो भी सोलो एंड XRP के होल्डर्स होंगे, उनको यहाँ पर 100 मिलियन, मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया, 100 मिलियन करके दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जहां पर फर्स्ट सोलो एंड XRP होल्डर को दिया जाएगा। तो जो भी XRP होल्डर है, सोलो होल्डर है, वहां पर एक जब 24 दिसंबर को स्नैपशॉट यहां पर ली जाएगी, तो उसके बाद यहां पर ये एयर ड्रॉप यहां पर दिया जाएगा। इन्वेस्टर हु एस्टैब्लिश ट्रस्ट लाइन विल रिसीव देयर टोकन ऑन January 20। तो 20 जनवरी को ये टोकन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे सोलोजेनिक की जो मीडियम पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पे ये टोकन आपको मिलेगा, कितने डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बाइनेंस में जैसा कि आपको यहाँ पर इसे होल्ड करने हैं, 24 दिसंबर को यहाँ पे स्नैपशॉट ली जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 जनवरी को ये टोकन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कि आपको यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 10 XRP आपको रखने पड़ेंगे, जो कि आप देख सकते हो, XRP बैलेंस अंडर 10 XRP वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द एयर ड्रॉप। तो आपको मिनिमम 10 से ज़्यादा आपको यहाँ पे रखना है। तो अगर आपके पास XRP पहले से आपने होल्ड करके रखा है, तो आपको ये एयर ड्रॉप मिलेगा। बाकी का अभी फिलहाल अगर हम बात करें, तो अगर आप अभी भी बाई करते हो तो भी आप इस टोकन के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्नैपशॉट ली जाएगी वो 24 दिसंबर को ली जाएगी। बट सबसे पहले हम इसके प्राइस को यहाँ पर, जैसा कि हम इसके XRP के प्राइस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो ये मैंने XRP का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। अब XRP के चार्ट या फिर सोलो में भी हमें उसी तरह का इफेक्ट देखने को मिल सकता है जो हमें XRP में देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है, मेरी एनालाइज यहाँ पे बताती है कि जैसा कि आप
ये जो टोकन है इससे एक हमें काफ़ी अच्छा XRP के प्राइस में पुश हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो लगभग चल रही थी 80 सेंट के करीब में, जो कि 89 सेंट या फिर 90 सेंट यहाँ पे टच कर चुकी है। मे बी कि यहाँ पे और भी थोड़ा सा अच्छा आप पुशअप देखने को मिले, थोड़ा सा और अच्छा प्राइस देखने को मिले और ये लगभग $1 तक भी यहाँ पे टच कर सकती है। और यहाँ पे जो इसके डाउन लाइन के जो इसके डाउन ट्रेंड के जो चैनल चल रहे थे वो भी यहाँ पर इसे ब्रेकआउट हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हमने अभी हाल फिलहाल देखा है ओएमजी में हमें क्या देखने को मिला कि जैसे ही इसकी एयरड्रॉप का स्नैपशॉट यहाँ पे एंड हुआ, ओएमजी के प्राइस में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है। जबकि मार्केट अच्छी खासी पुल हो रही थी, अच्छी खासी जा रही थी, उस टाइम ओएमजी के प्राइस में हमें यहाँ पर डाउन देखने को मिला था। तो ऐसे में चांसेस बनता है कि 24 दिसंबर को जब इसकी स्नैपशॉट ली जाएगी तब XRP जो होल्डर्स वो इसे सेलिंग करने लगेंगे और हो सकता है कि उस समय हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सके। तो अगर आपको इसे XRP को बाय करना है तो आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल ये बाय करना सही होगा, क्योंकि ये जो प्राइस हमें बढ़ने देखने को मिला है ये एक्चुअली में ये जो एयर ड्रॉप आई है उसके वजह से हमें देखने को मिला है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी फिलहाल रिसेंटली कई तरह के हमें यहाँ पर एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया अक्सर यहाँ पे होता है कि जब भी स्नैपशॉट का टाइम ओवर हो जाती है तो जो होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो XRP हो या फिर जो भी अदर टोकन होते हैं वो उसे होलसेल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में सेम OMG की तरह ही हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डाउन पे है। तो ऐसे सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा गिरावट तो मैं नहीं प्रेफर करता, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसे बाइंग के लिए भी आपको नहीं बोलता। तो अगर आपको बाय करना है तो किसी अदर टोकन को बाय कर सकते हो। फिलहाल XRP यहाँ पे रिस्की हो सकता है और हो सकता है कि आप यहाँ पे 10-20% का प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर लो, बट जैसे 24 दिसंबर आती है तो हो सकता है उस टाइम हमें गिरावट देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा आपको एनालाइज करनी है, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। तो जो भी प्राइस में आप इसे बाय करते हो तो एक स्टॉप लॉस आपको 10-12% तक का आपको रखना है, क्योंकि चांसेस बनता है कि $1 टच करने के बाद या फिर हो सकता है कि 1.1 भी टच कर सके अगर इसे अच्छा खासा हाइप मिले, अगर ये जो एयर ड्रॉप चल रही है उसे अच्छा खासा पुश हमें देखने को मिले। तो इसके जो रेसिस्टेंस बनते हैं जो कि है 96 सेंट में, वो टच क्रॉस करके $1.1 भी टच कर ले, बट वहाँ से गिरेगी ये 24 दिसंबर को अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और जो इसके सपोर्ट होंगे वो लेवल होंगे लगभग 80 सेंट में, ये फिर से हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी का XRP का अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हो तो फिर आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप इस ये जो आपको एयर ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है आप उसे ले सकते हो। और जो अगर आप फिर से आप एयर ड्रॉप के लिए XRP को बाय करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए सही होगा। तो एक बार अपनी तरफ से आप एनालाइज जरूर करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया OMG की तरह हमें OMG काफ़ी डाउन देखने को मिला था जब इसके स्नैपशॉट ली गई थी, तो ठीक इसी तरह से हमें ये भी थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो लगभग 80 सेंट का एरिया जो है वो सही है, आप इस एरिया में बाय कर सकते हो। बाकी का इससे ज़्यादा ऊपर के प्राइस में अगर आप इसे बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ डिस्कशन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था XRP के बारे में, इसके एयर ड्रॉप के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के अगर आप होल्डर हो और बाइनेंस में आपने होल्ड कर रखा है तो जैसे स्नैपशॉट पूरी होती है तो 20 जनवरी को एयर ड्रॉप आपको मिलेगा, और वो भी रिसेंटली आपको नहीं मिल रही है। और बाकी का जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा रिस्की हो सकता है XRP, और ये जो अभी फिलहाल पुश हमें देखने को मिल रहे हैं वो एयर ड्रॉप के कारण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा रिस्की जोन बनती है अगर इस तरह के प्राइस में आप यहाँ पर बाय करते हो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो सही है। अगर मिड टर्म तक आप इसे होल्ड कर लेते हो तो आई थिंक XRP आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। बट रिसेंटली हो सकता है कि 24 दिसंबर को यहाँ पर क्रेज हमें देखने को मिले, तो आप चाहो तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। जैसे ही लगभग थोड़ा सा ऊपर जाती है और कुछ रेड कैंडल कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है तो वहाँ से आप चाहो तो शॉर्ट चल सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरह का रेड कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिलता है तो आप चाहो तो यहाँ से शॉर्ट चल सकते हो, या फिर अगर आपको अचानक से क्रेज आपको देखने को मिलता है तो 80 सेंट से आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, विथ स्टॉप लॉस 10% का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।